शामली के कांदला थाना क्षेत्र के दीवाना मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में तीन बदमाशों को गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कांदला थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने बदमाशों की गाड़ी रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने अपने आप को बचाने के लिए पुलिस पर गोलियां चला दी, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 20 से 25 मिनट तक गोलीबारी हुई। इस पुलिस मुठभेड़ के बाद गोली लगने से तीनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। वहीं मुठभेड़ में एक सिपाही गौरव राठी को भी गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गए। पकड़े गए बदमाश हरियाणा पंजाब में लूट, हत्या, डकैती आदि कई दर्जनों घटनाओं में वांटेड चल रहे थे। पकड़े गए बदमाश का नाम अमित उर्फ काला है, जो बागपत का रहने वाला है, जिसके दो अन्य साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। अंकित उर्फ काला जी, चेकिंग करने लगी थी, मैंने पुलिस की सिपाही के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी होती तो फिर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, मैंने गोली चला दी थी पुलिस के ऊपर। बिना नंबर की स्विफ्ट गाड़ी वहाँ से उसको रोका गया है और सिपाही के ऊपर चढ़ाने की कोशिश किया, वो वहाँ से और वहाँ से पूरी कटोर में अंदर ले गया है। पुलिस पे भी फायरिंग किया गया है, जवाबी फायरिंग, पुलिस भी गाड़ी से देखिए उसमें चला गया, वहीं से उतर के फायरिंग करते हुए मोर्चा लेके फायर किए थे बदमाश, उसमें भी पुलिस ने भी घेर के दोनों तरफ से फायर किया, उसमें सिपाही को गोली लग गई जी, और उसमें फिर पुलिस को मजबूरन फिर चारों तरफ से घेर के उसको गोली चलाना पड़ा। इसी क्रम में फिर उसने एक बदमाश को पैर में गोली लगी, फिर बदमाश फिर अपने असला वगैरह सरेंडर कर दिया।